मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? और आज मुझे 4-5 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला था, और मैंने कटिंग वटिंग भी करा ली, बाल भी छोटे करा लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे फिर से मुलाकात की जाए, क्योंकि 3-4 दिन मेरे बहुत बिजी शेड्यूल रहा, इधर उधर जाना रहा। कल भी मुझे खोले के हनुमान जी के जाके आए थे, तो बहुत ही गर्मी थी, दिन में ही गए थे गाइस, 11 से 4 के बीच का प्रोग्राम था, और इतनी गर्मी भयंकर ज़बरदस्त। और अभी मैं ले रहा हूँ सुबह सुबह अपनी गर्मा गर्म चाय, तो पीते हैं एक अच्छी सी चाय और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जुड़े रहिए दीपक शर्मा के साथ। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं आ चुका हूँ गार्डन के अंदर, और अभी मैं कर रहा हूँ वॉक। बहुत ही पतझड़ अब लगभग ख़त्म सा हो रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी हो गई। देखिए आप, हरे हरे पत्ते दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही मस्त। गाइज, ये दोनों के दोनों बैठे बैठे खुद का ही ब्लॉग देखते रहते हैं ये टीवी में देख रहे हैं अपना खुद का ब्लॉग। ये देखो, ये देखो, ये देखो प्रकट मान। तो गाइज, वैसे तो आज गणगौर का दिन है, सभी महिलाएं गणगौर की पूजा करने के लिए जाती है। राजस्थान का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आज के दिन है जो हमारे यहाँ जयपुर में गणगौर का मेला भी भरता है, और ख़ास करके दौसा ज़िले के लालसोट तहसील में हेला ख्याल दंगल शुरू हो जाता है। गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त दंगल की शुरुआत होती है, इसमें अलग अलग राजनीतियों के ऊपर, अलग अलग राजनीतिक लोगों के ऊपर कुछ हास्य कविताएं या इस तरह के मतलब अच्छी चीज़ें तैयार की जाती है, जो कि इनके गायक कलाकार होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए, कस्बों से जुड़े हुए थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम दंगल में होते हैं, जो कि लालसोट तहसील का जो दंगल है वो नेशनल लेवल पे भी हिट है, मतलब राजस्थान के अंदर इसका नाम आता है दंगल का। तो दंगल कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहता है और मज़ा आता है, और ये कंटिन्यू चलता है दो दिन तक कंटिन्यू चलता है दिन और रात। तो बहुत, अब वैसे कोरोना के बाद शायद अब 2-3 साल बाद में भरा जा रहा है, और लेकिन इस बार शायद आज दंगल का हो जाएगा कार्यक्रम स्टार्ट। तो बहुत ही एंजॉय आता है, मज़ा आता है। तो और गणगौर का मेला जयपुर का बहुत ही फेमस, गणगौर की तीज मानी जाती है, तीज और गणगौर दोनों ही जयपुर की फेमस है। राजस्थान में एक अच्छे लेवल का त्यौहार माना जाता है इसे, और आज के दिन मतलब गणगौर मैया की पूजा की जाती है, गणगौर माता की पूजा की जाती है, और आज के दिन है जो सिंजारे के रूप में घेवर वगैरह बनते हैं, और घेवर वगैरह आते हैं, सिंजारा आता है, नवविवाहित जो लोग होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके यहाँ सिंजारा भी आता है, और इस तरह से घेवर वगैरह, और पहले मतलब हालांकि अभी भी चलते हैं गुणे वगैरह, तो वो गुणे वगैरह भी बनते हैं घरों में, है ना, मैदा के होते हैं, उनके ऊपर है जो चीनी का घोल बना के तैयार किया जाता है, और रबड़ी के घेवर, छोटे घेवर, मिनी घेवर, बड़े घेवर, फीके घेवर, इस तरह के ढेर सारे घेवरों की मतलब जो क्वालिटियाँ होती है अलग अलग होती है। तो गाइज, हैप्पी गणगौर, गणगौर की सभी को शुभकामनाएं, और ख़ास करके राजस्थान के लोगों को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए गाइज, मैं दिखाता हूँ आपको राजस्थानी घेवर कैसे होते हैं और किस साइज़ के होते हैं। हालांकि मिनी घेवर भी होते हैं, बड़े घेवर भी होते हैं, फीके घेवर भी होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक स्पेशल घेवर। ये देखिए गाइस, ये है रबड़ी वाला घेवर। कौन सा घेवर? इसे कहते हैं रबड़ी वाला, बड़ी साइज़ वाला घेवर। अगर आप इसको उठाकर देखें तो इस तरीके से गाइस, उठने में ही नहीं आ रहा ये तो। ये देखिए गाइस, बहुत ही शानदार रबड़ी घेवर है ये, और इसके ऊपर पूरा रबड़ी लगाई हुई रहती है इस तरीके से। देखिए ये टूट चुका है, टूट गया क्या? नहीं, ये देखिए गाइस, इसे कहते हैं रबड़ी घेवर। ये शानदार घेवर होता है, बहुत ही मज़ेदार। देखिए ये स्पेशली तीज और गणगौर पे ही बनाए जाते हैं घेवर, बहुत ही मस्त। तो यदि आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो राजस्थान में जयपुर के घेवर बहुत फेमस है, तो प्लीज़ ज़रूर खाइए, मज़े करिए गणगौर के दिन को, एन्जॉय कीजिए। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो गुणों की बात कर रहा था मैं आपसे, कि मैदा के गुणे बनाए जाते हैं, और ये देखिए गाइज, ये होते हैं गुणे जिनके ऊपर, ये मैदा के होते हैं और इनके ऊपर शक्कर का लेप किया जाता है, तो बहुत ही, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो गुड़े शक्कर पारे गेहूं के आटे के भी खूब बनते हैं, मैदा के भी बनते हैं। एंजॉय करते हैं आज के दिन को, एंजॉय। तो ये देखिए गाइज, मैं खा रहा हूँ रबड़ी वाला घेवर, और खाने में कैसा लगता है मैं बताता हूँ आपको। यम्मी, बहुत ही टेस्टी। मजा आ गया गाइज, घेवर खा के तो मजा ही आ गया। तो आप भी खाएं और मजे करें घेवर खा के। ये देखिए गाइज, मैं आपको गुणे और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये गोल गोल गुणे होते हैं, ये मैदा के हैं। हालांकि पहले है जो गेहूं के बनाए जाते थे, ये इस तरीके से कई तरह की डिजाइन में बनते हैं। ये देखिए, इसकी पपड़ी भी बनती है। तो ऐसे ही इनको है ना, जो शक्कर पारे वगैरह इस टाइप के कई प्रकार के जो डिजाइनों में बनाए जाते थे, आजकल इस तरह के बने बनाए रेडीमेड भी मिलते हैं होटलों पर, मतलब जो भी है मिठाई की दुकानें वहाँ बन के तैयार रहते हैं। तो आजकल रेडीमेड भी ले आते हैं कई जगह, और कई जगह घरों में बनाए भी जाते हैं। तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आराम से खाओ पियो मज़े करो गाइड। ये गुणे हैं ना, मतलब कई दिनों तक खाए जाते हैं, और जैसे जैसे ड्राई होते जाते हैं, अर्थात ये पुराने होते जाते हैं, तो ये ड्राई होते जाते हैं और सूखने पर ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते, इनको आराम से एंजॉय के साथ खाइए, मज़े करिए। वाह यम्मी। और अभी हमारी टीम चला रही है साइकिलिंग, कर रही है साइकिल चला रही है टीम पूरी। ये आ गया सबसे आगे महान, और ये चल दिया ओजस, ये चल दिया सिद्धांत। मैं भी शामिल हो चुका हूँ इनमें। आज हम साइकिलिंग कर रहे हैं। चलो चलो। गाइस बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी। हाय गाइस। हाय गाइस। मेरी तो छोटी सी साइकिल है। वाओ, कैसा लग रहा है? पूरी टीम आ रही है हमारे साथ, आ जाओ। यहाँ तो बुल खड़े हैं भाई। मिट्टी उड़ा दी। आराम से आओ एक साइड। गाइस अभी पापा पूजा कर रहे हैं। तेरे भक्त जनों।